गाइस, तो आज वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं xiaomi के मी A3 के बारे में। तो देखते हैं यार कैसा फोन है ये, इसको अनबॉक्स करके देखते हैं और जानते हैं कुछ क्या कुछ है। तो चलो यार बड़ा टाइम वेस्ट करे, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा इसके बॉक्स कंटेंट्स की। तो यहाँ पर बॉक्स के ऊपर यहाँ पर सबसे पहले देखने को मिलता है हमें एक xiaomi का मी A3 फोन, जहाँ पर लिखा हुआ है, छपा हुआ भी हुआ है और ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पर इंडिया नंबर वन ब्रांड। उसके नीचे यहाँ पर जो भी आपका वेरियंट होगा उसे एयर ट्रिपल कैमरा देखने को मिल जाता है। राइट और लेफ्ट साइड में यहाँ पर आपको ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, जिस पर यहाँ पर लिखा हुआ है मी A3 एंड्रॉयड वन को इस फ़ोन में है जो UI है। नीचे यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं थोड़ी सी हाइलाइट्स इस फ़ोन की, जो कि आप पढ़ सकते हैं पॉज करके। और उसके नीचे यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है मोर देन वाइट कलर है मेरे पास, 4GB रैम 64GB वाला वेरियंट है। तो अब खोलते हैं इस बॉक्स को, और बॉक्स को खोलते हैं यहाँ पर आप यूज़र मैनुअल देखने को मिल जाता है, वारंटी कार्ड देखने को मिल जाता है और एक सिलिकॉन केस देखने को मिल जाता है। उसके नीचे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर सा यहाँ पर आपका मी A3 देखने को मिल जाएगा। मेरे पास यहाँ पर वाइट कलर का है जो कि बहुत अच्छा लगता है। अभी साइड में रखते हैं फ़ोन को और नीचे देखते हैं तो यहाँ पर आपको एक पावर एडाप्टर देखने को मिल जाता है जो कि 5W 2A का है। उसके साथ यहाँ पर आपको टाइप सी पोर्ट देखने को मिल जाता है इस फ़ोन में। तो यहाँ पर आपको USB भी टाइप सी पोर्ट वाली देखने को मिल जाती है। तो यही है इसके बॉक्स कंटेंट्स। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा इसकी डिज़ाइन की। तो यहाँ पर आपको बैक में आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है और साफ साफ सी बात है यहाँ पर आपको एक ग्लास बॉडी देखने को मिलती है जो कि काफ़ी प्रीमियम और काफ़ी ग्लॉसी लुक फ़ोन को देती है। उसके साथ साथ यहाँ पर ये डिस्प्ले थोड़ी सेंसिटिव भी होती है, बट यहाँ पर आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। यहाँ पर बैक पे आपको ट्रिपल कैमरा देखने को मिल जाते हैं 48+8+2 MP के। और यहाँ पर नीचे की तरफ अगर हम देखें इसके, तो यहाँ पर आपको LED फ्लैश लाइट देखने को मिल जाती है। उसके नीचे यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलता है छोटा सा 48 MP AI कैमरा। उसके नीचे अगर हम देखें तो यहाँ पर xiaomi लिखा हुआ है और साइड में उसके लिखा हुआ है एंड्रॉयड वन। यहाँ पर मेरे पास जो है वो वाइट कलर है तो वो रेनबो इफेक्ट के साथ आता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अगर इसको लाइट में लेकर जाएं तो यहाँ पर आपको रेनबो कलर देखने को मिल जाता है। उसके बाद मैं बात करता हूँ इसके साइड्स की। तो यहाँ पर राइट साइड में आपको वॉल्यूम रॉकर्स देखने को मिल जाते हैं और उसके नीचे यहाँ पर पावर ऑफ बटन देखने को मिल जाता है। ऊपर की बात करें तो यहाँ पर आपको 3.5mm जैक देखने को मिल जाता है जो कि मी A2 में नहीं था, तो यहाँ पर ये गलती xiaomi ने सुधारी है। उसके पास यहाँ पर आपको एक नॉइज़ कैंसलेशन माइक देखने को मिल जाता है। लेफ्ट की बात करें तो यहाँ पर आपको एक हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने को मिल जाता है और नीचे जो है यहाँ पर आपको एक स्पीकर ग्रिल और एक माइक ग्रिल देखने को मिल जाती है और बीच में यहाँ पर हमारी प्यारी सी टाइप सी पोर्ट देखने को हमें मिल जाता है। उसके बाद मैं बात करता हूँ इसकी डिस्प्ले की। तो यहाँ पर आपको HD+ वाली 6.08 इंच की सुपर एमोलेड वाली डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो कि यार इस प्राइस पॉइंट में मेरे ख्याल से सिर्फ इसी फ़ोन में यहाँ पर आपको सुपर एमोलेड की डिस्प्ले देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको इसके अंदर 7th generation का इंडिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाता है, जो कि यहाँ पर इतना फास्ट नहीं है, बट यहाँ पर ये अपडेट के थ्रू फास्ट किया जा सकता है। यहाँ पर फ्रंट में आपको 32 MP का कैमरा भी देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छी फ़ोटो निकालता है। उसके बाद मैं बात करना चाहूँगा इसकी परफॉर्मेंस की। तो यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन का 665 देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर है। यहाँ पर अगर 675 जो है वो आपको रेडमी नोट 7 प्रो में देखने को मिलता है जो कि इसका एक कॉम्पिटिटर है, बट यहाँ पर आपको इसमें स्नैपड्रैगन 665 देखने को मिलता है जो कि काफ़ी लेटेस्ट प्रोसेसर है और ये आपको काफ़ी अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस दे देगा। उसके बाद मैं इसकी बात करता हूँ बैटरी की। तो यहाँ पर आपको 4030mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, 4030mAh की बैटरी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। इसमें बॉक्स में तो यहाँ पर आपको 5W 2A का चार्जर देखने को मिलता है, बट यहाँ पर आपको 18W का चार्जर की सपोर्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। तो अभी ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है xiaomi मी A3 के बैक कैमरा से और आप देख सकते हैं कि ऊपर यहाँ पर ट्यूबलाइट है और नीचे यहाँ पर देख सकते हैं कितने अच्छे से ये एक्सपोजर मेंटेन कर रहा है, कितने अच्छे से नहीं, वो यहाँ पर आपको अपना पता लग जाएगा। और मतलब मेरे हिसाब से इसमें क्वालिटी काफ़ी अच्छी आ रही है और EIS भी इसका मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि मैं जब चल रहा हूँ तो मेरे ख्याल से ही ये वीडियो थोड़ी बहुत ही हिल रही है। तो अभी ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है xiaomi मी A3 से के फ्रंट कैमरा से और इसमें मैंने कोई माइक वगैरह कोई हेडफोन वगैरह नहीं लगाया हुआ है। इसके इंटरनल माइक से साउंड भी रिकॉर्ड हो रही है और बिल्कुल मेरे ठीक सामने एक ट्यूबलाइट है और अगर मैं ट्यूबलाइट के पास खड़ा होता हूँ तब भी आप देख सकते हैं कि कोई भी मतलब डार्क नहीं आ रही है वीडियो। मैं जब पूरा भी घूम जाऊँ बिल्कुल भी यहाँ पर डार्क नहीं आ रही है वीडियो। और
बिल्कुल, अगर आप एक्सपोजर की बात करते हैं तो इसमें भी आपको 32 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें भी एक्सपोजर मुझे काफी अच्छा इसका लगा है। तो यार कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताना, और लाइक कर दो इस वीडियो को, शेयर कर दो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और ये भी कमेंट करके बता दो क्या मुझे इस फोन से वीडियो रिकॉर्ड करनी चाहिए या नहीं। मैं ऑडियो के हिसाब से रिकॉर्ड कर लिया करूंगा, बट यहाँ पर क्या मुझे इस फोन से वीडियो बनानी चाहिए या नहीं, क्वालिटी इसकी कैसी है, वो कमेंट करके मुझे जरूर से बताना। और लाइक कर दो इस वीडियो को, शेयर कर दो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करो चैनल, और 150 सब्सक्राइबर्स लिए हम यहाँ पर एक टीम टॉक तैयार करते हैं और फिर अगला जो है गोल सेट करता है। तो बस यार आज वीडियो के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए बाय।